जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हरिद्वार में स्थित मनसा देवी के दर्शन कराने लेकर जा रहे हैं, तो चलते हैं। जैसे कि अब हम मंदिर अंदर पहुँच ही गए हैं, आप लोग दर्शन करते रहिएगा और हम आपको सतलोक के बारे में बताते रहेंगे। मंदिर में प्रातःकाल मनसा देवी की आरती का समय रखा है, यानी आरती हो रही है, तो उसके दर्शन करते हैं आगे चलकर। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है माता के मंदिर का। जहाँ आरती हो रही है वहाँ माता का मुख्य मंदिर है, तो आइए आगे चलते हैं। मुख्य मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को माता के दर्शन करा सकें। जय माँ मनसा देवी, ये माता का मुख्य मंदिर था। आगे चलकर मंदिर के बाकी हिस्सों के भी दर्शन करवाते हैं। दिया है ना धागा। यह वो वृक्ष है जहाँ पर लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए धागा बांधते हैं और इच्छा पूर्ण होने पर वापिस माता मनसा देवी के मंदिर में आकर धागा खोलते हैं। लगभग सभी की इच्छाएं पूर्ण करती है माँ मनसा देवी। अब आगे मंदिर के दर्शन करते रहिए और आनंद लीजिए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मंदिर में आगे चलकर माता वैष्णो देवी का मंदिर है, जहाँ बहुत ही खूबसूरत दर्शन है। ये देखिए, माता वैष्णो देवी बहुत ही सुंदर लग रही है। आगे दर्शन कराते हैं आगे चलकर। साथ में यहाँ पर माता के 900 रूपों के भी दर्शन कराए गए हैं, तो वीडियो में आप देखते रहिए, दर्शन करते रहिए और माता को प्रणाम करते रहिए। जय माता दी।
ले दिए भाई भाई पीछे पीछे श्री काल भैरव जी को प्रणाम कीजिए। इस प्रकार आप सभी ने माता वैष्णो देवी व माता के 900 रूपों के साथ श्री काल भैरव जी के दर्शन भी किए। आगे चलकर मंदिर के अंदर मार्केट भी है, जहाँ से आप प्रसाद, माता की प्रतिमा आदि, घर के लिए आदि सामान भी खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार आप सभी ने माता मनसा देवी के मंदिर के दर्शन किए। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जय जय श्री राधे।